मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ था? ओह मेरे भाई, तुम बहुत पास थे। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगी। क्या मैंने उससे कुछ ज्यादा मांग लिया? ये तो समय ही बताएगा। सफेद मोर, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये कैसे प्राणी इसका पीछा कर रहे हैं? करोड़ द्वार। लेकिन देखिए, सैनिक रंगदा के जादू के वश में है। द्वार पर एक मानव है। आओ छोटी मक्खी, फंसो मेरे जाल में। सुंदर नदियों का नगर, लेकिन अब इन नदियों में विष घुल गया है। यहाँ बहुत सारे कमल के फूल खिला करते थे। उन्हें देखकर मुझे हमेशा खुशी मिलती थी। राजी इन्हें खिला सकती है अगर वो इनके बारे में सोचे तो। भगवान विष्णु का मंदिर है। ये हिरण्य नगरी होगी। मैंने इस जगह की बहुत कहानियाँ सुनी है। उसने आपकी प्रतिष्ठा के लिए बनाए गए नगर को पहचान लिया। क्या आप खुश नहीं हैं, भगवान विष्णु? ये मेरा नगर था जो बेशक मेरे मंदिर के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये शक्तियां वास करती है।
रंदा के असुर मेरे नगर में। उसकी परछाई लंबी है, तुम्हें उन्हें हराना होगा राजी। वो आपको सुन नहीं सकती, लेकिन वो कर लेगी। देखो उन्होंने मेरे नाम पर क्या बनाया, सुपर समृद्ध चमत्कारों से भरा हुआ नगर। इतनी सुंदर नक्काशियां और जटिल तंत्र, ये पानी से चलने वाले चक्के, इन चक्कों से दूसरे चक्के घूमेंगे जिनसे द्वार खुलेंगे और वजन उठेंगे। रंदा के कलपुर्जों वाले सेवक हैं। संभल कर राजी, उनकी दृष्टि से बचो। मोर, ये चोट लगी है। याद है देवी दुर्गा, मेरे मंदिर में क्या है? बिल्कुल, ये उसे दूसरा अवसर देगा, लेकिन ये रास्ता बंद है। देखिए, रक्षक नदियाँ उफान पर हैं। उन्हें शांत करने के तरीके भी हैं। उसे कल पुर्जों के बारे में क्या पता होगा? ये लड़की बहुत होशियार है, वो रास्ता ढूंढ लेगी। हमारे माता पिता क्यों नहीं हैं? मेरे प्यारे भाई, वे वहाँ हैं, तारों के बीच। मुझे गोलू से दूर नहीं रख सकते। आ!
ये चालाक लोगों की जगह है। ये पंचक्कियाँ, ये पानी जो इस हरे भरे खेत को सींचती हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये चालाक है भगवान विष्णु। इसमें शक्तियाँ केंद्रित हैं और अब ये रंगदा के हाथों में है। तुम्हारी बुराई के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ देखो, ये गरुड़ की कहानी है। दो बहनें थी, कद्रु और विनीता। महर्षि कश्यप की सबसे प्रिय पत्नियां। उन्होंने प्यार से दोनों को एक एक वरदान दिया। कद्रु ने मांगा कि वो हजार पुत्रों की मां बने। विनीता ने बस एक पुत्र मांगा, लेकिन वो कद्रु के हजार पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हो। महर्षि के आशीर्वाद से कद्रु ने हजार अंडों को जन्म दिया। विनीता ने बस दो अंडों को जन्म दिया। समय के साथ कद्रु के अंडे फूटने लगे। हर एक अंडे के अंदर एक सांप था। विनीता का मन अधीरता और ईर्ष्या से भर गया कि उसकी बहन के अंडे पहले फूट रहे थे। इसके चलते उसने अपने अंडों में से एक को खुद ही फोड़ दिया। विनीता के अंडे के अंदर एक आधा बना पक्षी जैसा जीव था। अपनी मां के कार्यों से गुस्सा होकर उसने उन्हें श्राप दिया कि वे दूसरे अंडे के फूटने तक वो कद्रु की दासी बनकर रहेंगी, और अगर उन्होंने अंडे फूटने तक धैर्य नहीं रखा तो वो सारी जिंदगी एक दासी बनकर रहेंगी, और इसलिए अपने आधे जन्मे बच्चे के श्राप से और कद्रु और उसके नाग बच्चों की साजिश की वजह से विनीता अपनी बहन की दासी बन गई। कई साल बीत गए और एक दिन विनीता का दूसरा अंडा फूटा और उसमें से निकला पक्षीराज गरुड़। अपनी मां को दासी बना देख गरुड़ ने नागों से उन्हें आजाद करने को कहा। वे मान गए, लेकिन एक शर्त पर कि गरुड़ स्वर्ग जाएगा और उनके लिए अमृत लेकर आएगा। गरुड़ अपनी मां के लिए देवों के स्वर्ग गया।
वो बहुत शक्तिशाली था, इसलिए देव उसे हरा नहीं पाए और वो उनसे अमृत ले आया। मैंने देखा कि गरुड़ ने अमृत अपने लिए नहीं रखा, तो मैंने उसे खुद को सौंप दिया। क्योंकि उसका दिल साफ था, मैंने उसे अमरता का वरदान दिया और बदले में उसने मेरा वाहन बनने का उपहार दिया। अगर मैं ऐसा चाहता, मैंने गरुड़ को चेतावनी दी कि नागों का स्वभाव धोखा देने वाला है। गरुड़ अमृत के साथ नागों के पास पहुंचा, लेकिन उसने एक चाल चली। उसने कहा कि इसे केवल तब ही लिया जा सकता है जब वे खुद को पवित्र नदी में जाकर शुद्ध करें। जब वे नहा रहे थे, उसने उन पर हमला कर दिया और उन्हें खा गया। उसने अपनी मां विनिता को आजाद किया। सुरक्षा के लिए ब्रह्मा अमृत ले गए और उसे वापस स्वर्ग में रख दिया। इस तकनीक से रक्षक नदियां शांत हो जाएंगी। क्या ये उसके लिए कुछ ज्यादा है? चक्रदंत और पुर्जे, असुरों की तुलना में इनसे लड़ना कठिन नहीं है। बह गई। ये काफी नहीं है, और भी कुछ करना होगा। दूसरा चक्रदंत ढूंढना होगा। उसे जल्दी करना होगा, राजी के तैयार होने से पहले रंगा को पता नहीं लगना चाहिए। Thank you.
उसे ये साफ करना ही होगा दुर्गा, उसे ये सब साफ करना होगा। वो करेगी, फिर शायद पेड़ उसे भविष्य की एक और झलक देखने देगा। गोलू से क्या चाहिए? उसे निर्देश देने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए? राजी वो नहीं जानती थी जो मैं जानती थी, और ये है हमारी सबसे बड़ी मुश्किल। तो लड़ाई धार्मिक जगहों पर भी होती है। अगर सही वजह के लिए हो तो युद्ध भी धर्म ही है। छोटी मक्खी तो डंक भी मारती है, ये कौन घुसपैठिया है? इसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे गुस्सा दिलाने की? Thank you.
अब मैं भगवान विष्णु के मंदिर पहुंच सकती हूँ। शाबाश राजी, शायद वहाँ मुझे कुछ मदद मिले। नदियाँ बहने लगी, मेरा जादू खत्म हो गया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी घुसपैठिए। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद भगवान विष्णु। मैं आपके नाम में इनका इस्तेमाल करूंगी, लेकिन मुझे मैं राम हूँ, वो राजकुमार जिसे वनवास मिला, जिसने सीता को असुर रावण से बचाया और प्रतिष्ठा के साथ घर लौटे। मैं हूँ बुद्ध सिद्धार्थ, महाज्ञानी साधु और शिक्षक। मैं कृष्ण हूं, एक ग्वाला परम दयालु, जिसने अर्जुन का रथ चलाया और उसका मार्गदर्शन किया। मैं कल्कि, एक तलवार की लौ के साथ जो बुराई और अंधेरे का चक्रव्यूह नष्ट करता है। मैं नरसिंह हूं, जिसका शरीर आदमी का है लेकिन सिर और पंजे शेर के हैं, जो बुराई से रक्षा करने वाला है। मैं वामन हूँ, एक बौना जिसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को अपने कदमों से नाप लिया था। मैं परशुराम हूँ, वो शूरवीर महान योद्धा जिसने अपना परशु फेंक कर पश्चिमी भूमि बनाई। वराह हूँ, जंगली सुअर जिसने हजारों सालों तक हिरण्याक्ष से युद्ध किया और पृथ्वी को दिव्य समुद्र से वापस लाया। मैं कुर्म हूँ, विशाल कछुआ जिसने अपनी पीठ पर पहाड़ का भार उठा रखा है। मैं मत्स्य हूँ, सिंह वाली मछली जिसने महाराज मनु को बाढ़ से बचाकर सुरक्षित जगह ले गई थी। Hit!
से बहुत आगे जाओगी और अपना समय पूरा होने से पहले बहुत से चमत्कार देखोगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। वो खतरे भी झेलेगी। बिल्कुल, ये जगह सुंदर है लेकिन इस पर रंदा का कब्जा है। मुझे उम्मीद है कि राजी तैयार है।
वही मोर, उस पर हमला हो रहा है। क्या ये मेरा पीछा कर रहा है? मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है? मेरी परीक्षा मत लो। रोक नहीं सकते। ये छोटी मक्खी तो डंक भी मारती है। ये कौन घुसपैठिया है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्सा दिलाने की? अब ये बहुत दूर नहीं है, लेकिन उसे बहुत ऊंचाई पर चढ़ना होगा। हम जानते हैं कि वो ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके बाद उसे जिसका सामना करना पड़ेगा वो शक्तिशाली है भगवान विष्णु, लेकिन रंगदा बच्चों की भक्षक है। मेरा नगर आजाद होकर रहेगा।
अब उसे प्रकाश स्तंभ जलाना चाहिए। ऊपर जाओ राजी, ऊपर जाओ, ऊपर आग जलाओ। तैयार रहो क्योंकि ये आग रंगदा सहन नहीं कर सकती। अब देखो दुष्ट का असली चेहरा दिख गया। तैयार रहो राजी, तलवार, ढाल और दिल। ये प्रकाश स्तंभ जलाने की कोशिश किसने? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी मानव। मेरा ध्यान खींच लिया, मेरा ध्यान खींच लिया, अब तेरी मौत देख लो। मैं तुम्हें एक बार हरा चुकी हूँ और मैं फिर से ऐसा ही करूंगी। मौत का स्वाद चखो शैतान।
कर लहराऊंगी। का शिकार हो चुकी है। ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन रंगदा कभी भी चालाक जीव नहीं थी। अब राजी को रंगदा के पीछे जो साजिश करने वाला है उसका सामना करना चाहिए। वो महाबलासुर के सामने कैसे लड़ पाएगी जिसके पास उसका भाई है? रहस्यवादी संदेशवाहक थक चुका था। उसने राजी को उसकी भूमि में जो है उसको लेकर चेतावनी दी।
एक विजेता आया, साथ में असुर, मौत और दुख लाया। लेकिन उसके पास गोलू तक पहुंचने का बस यही रास्ता था। उन्हें तेजी से चलना होगा। सेना राजी को रहस्यवादियों की धरती पर पहुंचने से रोकने के लिए कुछ भी करेगी। रहस्यवादी तरह घायल था। राजी को खुद ही आगे बढ़ना होगा।